क्या श्रद्धा कपूर की वजह से अक्षय कुमार फ्लॉप हो गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्या हाल बॉलीवुड एपिसोड नंबर 64 में। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज डे 6 था दो बड़ी मूवीज का, स्त्री 2 और खेल खेल में। बता दें कि स्त्री 2 मूवी है वो अब 250 करोड़ पार कर चुकी है 6 दिनों में। मूवी ने अब जो छठा दिन था मूवी ने लगभग 25 करोड़ की कमाई की। उससे पहले मूवी ने 38 करोड़ कमाए थे मंडे को, क्योंकि छुट्टी थी भाई, रक्षाबंधन था, इस वजह से मूवी काफ़ी अच्छा कमा पाई थी उस दिन। और खेल खेल में जो मूवी है उसका आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो मूवी अब 17 करोड़ पे आ चुकी है, 17 करोड़ पार कर चुकी है 6 दिन में, और मूवी फ्लॉप हो जाएगी इस मूवी स्त्री 2 की वजह से। क्योंकि मूवी अच्छी तो है, लोगों को पसंद तो आ रही है, क्योंकि शुरुआत में 5 करोड़ कमाए थे पहले दिन, फिर 2, 3, 4, फिर अब 2, फिर अब जैसे ट्यूसडे आया कोई छुट्टी नहीं थी तो 1.25 करोड़ पर आ गई। इसका मतलब बात यह है कि यह मूवी बिल्कुल धड़ाम से नीचे नहीं गई। इसका रीजन एक ही है कि मूवी अच्छी है और इस टाइम पर स्त्री 2 मूवी साथ में रिलीज हो रखी है, इस वजह से लोग ज्यादा देखने को नहीं जा रहे। अपोजिट में वेदा मूवी जो थी उसका आपको बता दें जो ओपनिंग थी वो खेल खेल में से ज्यादा थी, 6.3 करोड़ की ओपनिंग थी, मगर उसके बाद मूवी का कलेक्शन अच्छा नहीं रहा और अब मूवी वो भी लगभग 15 करोड़ कमा रखे हैं इस मूवी ने, खेल खेल में 17 करोड़ कमा रखे हैं। तो खेल खेल में कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और 1-2 हफ्ते में आपको ये डिफरेंस लगभग 10 करोड़ का भी देखने को मिल जाएगा। अगली खबर अगर बात करें, इब्राहिम अली खान जो है उनकी मूवी दिलेर की शूटिंग जो है वो कॉल ऑफ हो गई है यूके में, मतलब वो अब नहीं होगी क्योंकि वहां पर दंगे चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि वहां पर हर रोज गाड़ियां वगैरह जल रही हैं और कई लोग ये भी ताना मारते हैं कि भैया यूके वाले हमें रूल करते थे, अब खुद को रूल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने अभी KBC 16 शुरू किया है, अपने एक एपिसोड का 5 करोड़ रुपये लेते हैं और वो बहुत ही बड़ी खबर हुई थी। तो उन्होंने ये बताया कि BSc डिग्री जो है उसमें उन्होंने 42% जो है वो स्कोर किए थे और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए था। अब अनन्या पांडे की कॉल मी बे करके एक प्राइम अमेजन प्राइम पे मूवी आने वाली है, वो कैसी चलती है कैसी नहीं वो टाइम बताएगा, क्योंकि अभी वो रिस्क नहीं ले रही हैं अपनी मूवीज़ को सिनेमा थिएटर्स में रिलीज़ करने का और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स को बेच रही हैं। तो काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा गर्ली टाइप है तो लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे इसको। तो खैर देखते हैं ये मूवी कैसी आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।